क्या आप भी खेलना चाहते हैं कुछ ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स जिनका ग्राफिक्स क्वालिटी काफी हाई हो और हमारे लो एंड पीसी लैपटॉप पे ये गेम आराम से चल जाए? तो वेल गाइस, ये वीडियो आपके लिए भी खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 11 ओपन वर्ल्ड गेम लेके आया हूँ। इनका जो स्टोरी लाइन दोस्तों वो आपको काफी पसंद आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई घर कह रहे हो, अरे नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दो, जो मुझे बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मेटल गियर सॉलिड 5 द फैंटम पेन। एंड दोस्तों द मेटल गियर सॉलिड 5 फैंटम पेन की बात करें तो 2015 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया कोजीमा प्रोडक्शंस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इकोनॉमी के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वेल गाइस, गेम स्टार्ट होता है 1984 में। बेस डिस्ट्रॉय होने के बाद साल के बाद बॉस एंड मेडिक कोमा से बाहर आते हैं, जहां पर एग्जोएक का स्कल यहां पर अभी भी बिग बॉस को खत्म करना चाहता है। वो अपनी एक एसेसिन टीम को सेंड करता है बिग बॉस को मारने के लिए। यहां पर बिग बॉस के साथ बैंडेज लगाया हुआ बंदा है, अपने आप को स्माइल बताता है। वो बिग बॉस को एसेसिन से प्रोटेक्ट आइलैंड बिग बॉस उनके पीछे एग्जोएक के असैसिन यूनिट के सोल्जर से बचते बचाते। अब यहाँ पर बिग बॉस 9 साल के बाद अपने न्यू कोड नेम वेनम ने पहले मिशन पे इसको अफगानिस्तान से रेस्क्यू करने के लिए निकलता से जो सो मेन मिशन जो चालू होता है। सच बताऊं तो इस गेम का जो स्टोरी लाइन है दोस्तों वो काफी अमेजिंग है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है एंड गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफी यहाँ पर आपको हाई देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 28GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन इस गेम को प्ले करने का थोड़ा फाइटाबाइटी कर लेने का तो भैया कूद पान के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंस रो 2022 की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैलेशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। गेम की बात करें कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें वेल गाइस, सैंस रो की स्टोरी एंड एलेसर नाम के एक फ्लिक्शनल सिटी पे बेस्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसे आप कुछ भी बुला सकते हैं स्टार्ट होती है मार्शल डिफेंस इंडस्ट्रियल से प्राइवेट आर्मी जिसको सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं। मार्शल डिफेंस का जो लीडर है उसका नाम है एथिल मार्शल। मार्शल ब्रांच को पूरी तरह संभालता है, अपने क्लाइंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। भाई दूसरे कोई मरे तो मरे लेकिन उनके क्लाइंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मार्शल डिफेंस ज्वाइन करते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसे एक मिशन दिया जाता है जहां के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। नोहाली को वो ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं एंड जो मेन कैरेक्टर रहता है वो नोहाली को जैसे तैसे पकड़ लेता है। आपका मेन स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ पर, आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशन दिए जाते हैं। वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अलग अलग कार्ड्स देखने को मिलेंगे, काफी अलग अलग न्यूली वेपन्स चलाने का मौका मिलेगा। एंड सच बताऊं तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, गेम का ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल का है एंड यहाँ पर ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध। इस गेम का जो मिनिमम टेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1GB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 50GB के आसपास स्पेस होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है फार क्राई 4। एंड वेल गाइस, फार क्राई 4 की बात करें तो 2014 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो इस गेम स्टार्ट होता है 2014 में अजय काले की मदर ईश्वरी जो कि इंडिया एंड नेपाल के बीच हिमालय माउंटेन के पास किरात नाम के कंट्री पे यूएस भागी थी। उसकी लास्ट विश थी कि किरात में लक्ष्मणा के पास ले जाया जाए अपनी मदर की लास्ट विश पूरी करने से इंडिया से किरात पहुंचता है। पर किरात में एक किंग पेगन मिंग का राज रहता है। एक कंट्री भी एक सिविल वॉर से अभी फेस कर रही है। वहाँ का जो रेबल ग्रुप रहता है गोल्डन पाथ पेगन मिल की रॉयल आर्मी के बीच झड़प हो जाती है। पता है कि अजय की मदर और वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। पेगन बोलता है कि वो उसकी मदर को लक्ष्मणा तक ले जाने में हेल्प करेगा। तभी यहाँ पर गोल्डन मेंबर दारपान पेगन का ध्यान डाइवर्ट करता है एंड अजय यहाँ से भागते हुए यहाँ पर अजय को पेगन मिल्स के जितने भी बेस रहते हैं यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करना रहता है। दोस्तों इस गेम का स्टोरी लाइन है एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर पूरा आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है।
गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512MB नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो मिनिमम i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटलफील्ड 3। एंड दोस्तों बैटलफील्ड 3 की बात करें 2011 का एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया डाइस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। स्टार्ट होता है 2014 के एक फिक्शन यूएस ईरान वॉर के बीच की 2020 में रियलिटी देखने को मिल रही। गेम के एंड अब की रीजन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर यूएस मिलिट्री की फर्स्ट रिकॉन बटालियन मिसफिट 13 के साथ सर्जेंट हैनली ब्लैकबर्न के साथ ओसीआईए ऑपरेटिव उसके साथ स्टडी में लेके कुछ पूछताछ कर रहे हैं। ब्लैक मंथ रहता है वो अपनी स्टोरी 8 मंथ के फ्लैशबैक में सुनाता है। बेसिकली आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको अलग अलग मिशंस दिए जाते हैं। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो यहाँ पर गेम आपको टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। एंड वेल गाइस, गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र आपके पास 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512MB नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। की बात करें तो मिनिमम 20GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। एंड दोस्तों स्लीपिंग डॉग की बात करें एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया यूनाइटेड फॉन्ट गेम्स के द्वारा एंड बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया स्क्वायर एनिक्स के द्वारा। गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरीलाइन की बात करें तो स्टार्ट होती है 2012 की टाइमलाइन में, जहां हांगकांग पुलिस वर्ल्ड की सबसे बड़ी माफिया सनोई को पकड़ना चाहती है। इस गैंग को बंद करने के लिए वेई शैन एक अंडरकवर पुलिस कॉप है, अमेरिका में भी काफी सारे गैंग को बर्स्ट कर चुका है, दोबारा हांगकांग बुलाया जाता है। बात की वेई की मदर एंड वेई की सिस्टर की मौत इन्हीं गैंग की वजह से हुई थी। यहाँ पर हांगकांग पुलिस क्या करती है, एक फेक ड्रग डील को ऑर्गेनाइज करती है। इस ड्रग डील के मेंबर्स के साथ वेई को भी जेल में डाल दिया जाता है। स्टोरी स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर वे धीरे धीरे करके इन सभी गैंग मेंबर्स को यहाँ पर खत्म करता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। काफी स्पोर्टी टाइप के कार्ड्स देखने को मिलते हैं। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो मात्र 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो अंडरकवर कॉप बन लिया जाए, तुम के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है वॉच डॉग। वॉचडॉग 1 की बात करें तो वॉचडॉग एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलपमेंट पब्लिश किया गया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वेल गाइस, गेम स्टार्ट होता है 2012 के टाइमलाइन पे। हमारा शिकागो शहर रहता है वो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होता है ओएस के थ्रू। ओएस को हम सिटी ओएस कहते हैं, जो हमारा गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है एडम की, हाईली स्किल्ड ग्रे हैट हैकर जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आसान तरीके से हैक कर सकता है। इसी तरह के आपको काफी सारे टास्क दिए जाएंगे एंड वाइल्ड कंप्लीटिंग मिशन आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन इस गेम में आपको देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप बेसिकली एक हैकर का किरदार निभाते हो। यहाँ पर आप अपनी सिटी में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो जो एक गेम में मोबाइल मिलेगा उसके थ्रू। ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, आप आराम से इधर उधर गाड़ी वाड़ी चला सकते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 1GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें 40GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन। जी हाँ दोस्तों, ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन की बात करें तो 2013 का काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, डेवलप किया गया स्टार बेस्ट स्टूडियो के द्वारा, आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो वेल गाइस, गेम काफी यार इमोशन से भरा हुआ है। अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन वाला गेम खोज रहे हैं तो ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है नई राम के एक लड़के से, अपने डेड मदर के टॉम स्टोन के सामने बैठ के रो रहा होता है। तो बड़ा भाई नया नई को बुलाता है कि अचानक उसके फादर का हेल्थ एकदम बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर नई और नई का भाई फादर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं एंड यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके फादर का तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल है तो आपको एक वाटर लाना पड़ेगा। दोनों भाई ट्री ऑफ लाइफ के वाटर को लाने के लिए
निकलते हैं। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, पर गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 3 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को खेलने का तो फटाफट हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। हमारा 8th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन की बात करें तो 2017 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा, कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी ऐसा ही तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। टोटली फ्री है दोस्तों, इसे आप स्टीम से आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गेम की मोड की बात करें तो गेम में आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कि इसमें इस गेम में आपको ऑनलाइन मोड भी देखने को मिल जाता है। अपने फ्रेंड्स से आराम से आप फ्री में इस गेम को खेल सकते हैं, जैसे हम GTA ऑनलाइन में खेलते हैं। काफी बड़ा मैप इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट कार भी इस गेम में आपको देखने को मिल जाते हैं एंड अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। गेम में आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो आप जैसे कि देख सकते हैं गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 1 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर इस गेम को प्ले करने का तो किस लिए रुके हो, खुद फन के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो हमारा 9th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन। एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जो कि 2009 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, स्टोरीलाइन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मेन एनिमी रहता है, जिसका नाम विलियम स्ट्राइकर रहता है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वुल्वरीन, सिंपली आपको विलियम स्ट्राइकर के जितने भी आर्मी रहते हैं वहां पर आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है। मिशन यहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। साइड से जो इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों, वो काफी यहां पर रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहां पर आपको काफी अच्छा सीरियस वाला फीलिंग होने वाला है। इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 8 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है व्हीलमैन। एंड दोस्तों व्हीलमैन की बात करें, 2009 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, किया गया टाइगर स्टूडियो के द्वारा एंड बेसिकली इसे पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। बात करें तो गेम में बेसिकली आपका मेन मोड रहता है ड्राइविंग, बट यहाँ पर जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाएंगे एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के व्हीकल देखने को मिलेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड मैक्स। एंड दोस्तों मैड मैक्स की बात करें तो 2015 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है। एक्शन एडवेंचर के साथ ओपन वर्ल्ड का भी यहां पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। गेम की बात करें तो गेम को डेवलप किया गया एवलांच स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया वॉरन गेम्स के द्वारा। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें तो भाई गेम स्टार्ट होता है मैक्स नाम के एक प्रोटैगनिस्ट से, जो कि हमारा मेन एक्टर रहता है। ऐसे एक फाइटर रहता है कि यहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं है। यहाँ पर अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उसमें मैक्स की फैमिली वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। वहाँ पर देखता है कुछ लोग गाड़ी के पास आ रहे हैं। मैक्स उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ पर स्केप करता है। थोड़ी देर जाते ही वो मैक्स को पकड़ लेते हैं, तो मैक्स को प्रिजनर बना के अपने साथ अपने कबीले पे ले जाते हैं। इसको जिन्होंने पकड़ा था वो इमोटन जोन की आर्मी थी, जो की काफी रूड, काफी मतलब क्या बोले, मतलब एक तरह काफी अत्याचार करती जो भी लोग बच चुके हैं। पर डिजास्टर के बाद इमोर्टल का ही पूरा राज चलता था। वहां के जो रेजिस्टेंस लोग थे जो बच गए थे, वो इमोर्टल को गॉड मानते थे। तो यहाँ पर अब मैक्स क्या
जाता है, जैसे तैसे इमोर्टल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाता है, तो मेन स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होता है। गेम की बात करें तो दोस्तों सच बताऊं गेम काफी इंटरेस्टिंग है, इस गेम का स्टोरी लाइन आपको काफी पसंद आने वाला है। एंड गेम्स का ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1 GB नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 32 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। 11 हाई ग्राफिक गेम थे आपके पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो मिलता हूं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।